हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स, दिस इज डेट 19th ऑफ मई 2020। चैप्टर इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन लेक्चर 1। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का ये लेक्चर नंबर 1 है। अच्छा, कुछ बच्चे फोन पर बता रहे थे कि लेसन फंक्शन में टॉपिक बाइनरी ऑपरेशंस आप लोग पढ़ रहे होंगे। आरएसएल वाला आरडीएसएम यहां तक कि एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, वो सिलेबस से कट आउट कर दिया गया है। तो बाइनरी ऑपरेशन हम लोगों को नहीं पढ़ना है, है ना। दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सेक्शन फॉर क्लास 12 मैथमेटिक्स। तो बाइनरी ऑपरेशन हम लोगों को अभी नहीं पढ़ना है। सिलेबस खत्म हो जाने के बाद कुछ टाइम बचेगा तो एक दो दिन का है, बट वो सिलेबस का आपका पोर्शन नहीं है। ये चैप्टर है क्लास 12 मैथ्स का, सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, दिस इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, रिलेशन फंक्शन के बाद ये चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। स्कूल वगैरह में बच्चों से बात थोड़ा बता दिया गया, बहुत आसान चैप्टर, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रिकीएस्ट चैप्टर पॉसिबल। स्कूल में पता नहीं क्या बता दिया जाता है, आप लोगों को भी गलत फहमी हो जाता है कि आसान चैप्टर है। ये नाम से ही देखो, फंक्शन सबसे टफ चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11 का लेवल मिला करके सबसे बड़ा चैप्टर। और इन्वर्टिबल फंक्शन, जिसको कि पिछले 10 दिनों से फंक्शन में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये इन्वर्टिबल फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री और फंक्शन का सारा कॉन्सेप्ट को मिला करके बना हुआ चैप्टर है। दिस इज नॉट एन इजी चैप्टर फ्रॉम एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन, दिस इज अ वेरी टफ चैप्टर। इसको आप लोगों को बहुत ध्यान से सीखना पड़ेगा। जो लोग अच्छे हैं पढ़ने पर, जो लोग ऐसे ही ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं, उन लोगों के लिए आसान चैप्टर है, अदरवाइज इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर। ठीक है, इसमें हम लोगों को बहुत कुछ ध्यान से पढ़ना है। जो बच्चे जेई का तैयारी कर रहे हैं, एनडीए का तैयारी कर रहे हैं, ये चैप्टर से एक क्वेश्चन हमेशा आएगा आपके जेई के एग्जामिनेशन में, और बोर्ड के एग्जामिनेशन में भी। दिस चैप्टर कंटेन्स ओनली वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा हाथ पर चलाना है, इसी वजह से ये चैप्टर को टफ चैप्टर कंसीडर हम लोग करते हैं। इंट्रोडक्शन ये है कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। तो अगर इसी का मैं पूछूं, फिजिक्स में भी इसका इस्तेमाल किया कि भाई ये बताओ कि 1/2 साइन के किस डिग्री पर आता है, तो हम लोग आंसर दे देंगे 30 डिग्री। ऐसे फंक्शंस को ही हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस कहते हैं। दिस टाइप्स ऑफ फंक्शंस आर नोन एज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ITF। साइन 30 इज 1/2 एंड साइन इनवर्स 1/2 इज 30 डिग्री। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ओनली पिछले चैप्टर में हम लोग ने पढ़ा है सिर्फ 1/1 on 2 फंक्शंस आर इनवर्टिबल। हमने तो पढ़ा है कि केवल 1/1 on 2 फंक्शन है, पिछले चैप्टर में जब नहीं पढ़ा तो नहीं समझ में आएगा, केवल 1/1 on 2 फंक्शन से इनवर्टिबल है। तो यहां पर एक पेच है, यहां पर एक पेच है, यहां पर एक पेच है, यहां पर एक पेच है। पेच ये है कि साइन 30 का वैल्यू 1/2 है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 है, तो इनवर्टिबल, तो साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू हमने 30 डिग्री तो लिख दिया है। बट ऐसे ही आपसे अगर मैं पूछ लेता साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू बताओ कितना होगा, तो जितना आंसर 30 डिग्री सही है तो फिर 210 तो नहीं बट 150 डिग्री की तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता। साइन 150 इज ऑल्सो 1/2, फिर 390 डिग्री भी तो इसका आंसर हो जाता, फिर 510 डिग्री भी तो इसका आंसर हो जाता, है ना। दिस इज डॉट 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 डॉट। तो साइन 30 का तो केवल एक ही वैल्यू है, साइन 30 का 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 एक ही वैल्यू है 1/2। बट साइन इनवर्स 1/2 का 30 भी है, 150 भी है, 390 भी है, 510 भी है। तो ये तो ऑन टू फंक्शन नहीं हो पा रहा है, this is not on to, ये on to functions नहीं हो पा रहा है। sin 30 का value 1/2 हो जा रहा है, but sin inverse 1/2 का बहुत सारा value हो जा रहा है, 30, 150, 390, 510। इसका मतलब है कि ये जो पूरा functions हुआ, ये जो पूरा function हुआ, sin 30 is 1/2, but sin inverse 1/2 का सिर्फ अगर 30, अगर केवल इतना होता, तब जाकर के ये invertible होता, but sin 30 का तो 1/2 है, but sin inverse 1/2 का 30, 150, 390, 150, सब आ रहा है। ये functions 1/1 on 2 नहीं है, हिंदी में लिख लेंगे, ये function 1/1 on 2 नहीं है। तो जब ये function 1/1 on 2 ही नहीं है, तो ये invertible ही नहीं है, तो ये chapter ही गड़बड़ हो गया, chapter का नाम ही inverse trigonometrical function।
फंक्शन है। तो यही हम लोगों को याद करना है कि अंडर अ सर्टेन डोमेन एंड रेंज, एक सर्टेन डोमेन और रेंज के बीच में ही, अंडर अ सर्टेन डोमेन एंड रेंज ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आर इनवर्टिबल। लोग को नहीं समझ में आया मेरे को फोन करो फिर समझाता हूं, नहीं तो जो लोग समझ रहे होंगे मैं फिर से एक बार बताता हूं। कॉन्सेप्ट यही है कि पिछले चैप्टर का यूज है फंक्शन का, साइन 31/2 साइन इनवर्स 1/2 अगर 30 डिग्री, केवल इतना ही आंसर होता तो फंक्शन 1/1 फंक्शन भी होता और ऑन टू भी होता और वो फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो है वो इनवर्स हो जाता। बट साइन 30 is 1/2, बट साइन इनवर्स 1/2 इज नॉट ओनली 30 डिग्री, 30, 150, 390, 500 के हिसाब से साइन 30 का एक ही वैल्यू 1/2, बट साइन इनवर्स 1/2 का ढेर सारा वैल्यू है। साइन 30 का एक ही वैल्यू 1/2, बट साइन इनवर्स 1/2 का ढेर सारा वैल्यू है। तो ये इनवर्टिबल फंक्शन नहीं है, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को इनवर्टिबल होने के लिए उसका एक सर्टेन डोमेन और रेंज होना चाहिए जिसके बीच में हम लोग कह पाएंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस इनवर्टिबल है। तो इस चैप्टर में सबसे पहला काम हम लोग को ये करना पड़ेगा कि इनवर्टिबल फंक्शन साइन कॉस टैन सेक कोसेक और कॉट किस डोमेन और किस रेंज के बीच में आएगा वो हम लोगों को याद करना पड़ेगा। जब तक पहले हम लोग याद नहीं करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन किस डोमेन और किस रेंज में इनवर्टिबल है तब तक इस चैप्टर का कोई मीनिंग ही नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आर इनवर्टिबल अंडर अ सर्टेन डोमेन एंड रेंज। फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू इज रिमेंबर द डोमेन एंड रेंज प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस दैट कैन बी इनवर्टिबल। इसको पहले आप लोग अपने इंट्रोडक्शन में दिमाग में रखें। तो जैसा कि अभी लेक्चर दिया गया आपको, जैसे कि अभी पिछले 7 मिनट से लेक्चर दिया गया आप लोगों को, सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का इनवर्स किस डोमेन और किस रेंज के बीच में आएगा वो याद करना पड़ेगा, अगर वही याद नहीं रहा तो ये चैप्टर कंटिन्यू ही नहीं हो पाएगा। तो आप लोगों को मेक श्योर करना होगा कि आप लोग पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डोमेन और रेंज, इसी को प्रिंसिपल वैल्यू बोला जाता है, ये हम लोगों को याद करना है, ठीक है। जैसे समझने के लिए, जैसे कुछ लोग उतना समझ नहीं पाते, जैसे साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है तो साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू जो है वो 30 डिग्री हो गया। यही इस पूरे चैप्टर में करना है, साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू 30 डिग्री हो गया। ये साइन इनवर्स एक्स 50 अरब बार बता चुका हूँ, एक्स का वैल्यू इज डोमेन, एक्स का वैल्यू साइन इनवर्स एक्स ये डोमेन है और इसका वैल्यू जो है 30 डिग्री है। वाई का वैल्यू है वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स। वाई का जो वैल्यू होता है वो रेंज होता है, जैसे 30 डिग्री जिसको रेडियन में पाई बाय 6 कहते हैं, तो ये रेंज है 30 डिग्री आपके पाई बाय 6 और ये जो वैल्यू है साइन इनवर्स जिसका पूछा जाएगा वो डोमेन है। तो ये डोमेन है और ये रेंज है और ये साइन इनवर्स का कॉस इनवर्स एक्स का टैन इनवर्स एक्स का कोसेक इनवर्स एक्स का सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स का आप लोगों को याद करना होगा। जैसे साइन इनवर्स ऑफ फलाना, ये जो फलाना है इसका वैल्यू 1 से -1 के बीच में ही होगा। क्लास 10th और 11th पे पढ़े साइन का मैक्सिमम वैल्यू इज 1, मिनिमम वैल्यू इज -1। तो साइन इनवर्स एक्स ये जो डोमेन है वो -1 से 1 के बीच में आएगा और साइन इनवर्स 1 तो पाई बाय 2 पर साइन इनवर्स ऑफ -1 -π/2 के बीच में है, दिस इज इट्स रेंज। उसी तरह से कॉस का वैल्यू 1 से -1 के बीच में तो डोमेन हुआ, कॉस इनवर्स 1 ये 0 पर है, कॉस इनवर्स -1 ये पाई पर है, ठीक है। तो इस रेंज में टैन का वैल्यू साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 है, कॉस का मैक्सिमम वैल्यू 1 है, साइन का मिनिमम वैल्यू -1 है, कॉस का मिनिमम वैल्यू -1 है, टैन का कोई नहीं परपेंडिकुलर पर बेस कोई भी बड़ा हो सकता है छोटा हो सकता है, इसका डोमेन दुनिया का सारा रियल नंबर है। बट रेंज में फिर प्रॉब्लम है, रेंज में फिर प्रॉब्लम है वाई बराबर टैन इनवर्स एक्स का रेंज में प्रॉब्लम है। इसका रेंज जो है वो सिर्फ -π/2 के बीच में होगा क्योंकि tan बराबर sin by cos होता है और sin का आप रेंज देख रहे हैं π/2 से -π/2, बट ये देख रहे हैं ये ओपन ब्रैकेट है, मतलब ये नॉट इंक्लूडेड है, दिस इज नॉट इंक्लूडेड,
क्योंकि tan 90 इज नॉट डिफाइंड, tan ऑफ माइनस थीटा इज नॉट डिफाइंड, तो ये साइन का भी ख्याल रखना पड़ेगा। ये क्लोज ब्रैकेट है, ये क्लोज्ड ब्रैकेट है, ये क्लोज ब्रैकेट है, और ये वाला जो है वो ओपन ब्रैकेट है, ठीक है। उस तरह से कोसेक का, कोसेक का, कोसेक का, कोसेक का, कोसेक का रेंज से पहले डोमेन दुनिया का सारा रियल नंबर, बट कोसेक इज हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, इसका वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में आएगा ही नहीं, क्योंकि हाइपोटेनस हमेशा परपेंडिकुलर से बड़ा होता है। दिस इज डोमेन, और जिस जिस वैल्यू पर ये वैल्यू आ सके दैट इज रेंज, जीरो नहीं आएगा। कोसेक का वैल्यू जो है वो जीरो पर डिफाइंड नहीं है। उसी तरह से सेक का है, उसी तरह से कॉट इनवर्स का है। आप लोग पहले नेक्स्ट ईयर डोमेन रेंज याद करें, डोमेन रेंज का मतलब समझो, 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 डोमेन रेंज का मतलब समझो। टेन 45 डिग्री इज वन, तो टेन इनवर्स वन बराबर जो है वो 45 डिग्री, या फिर जो पाई बाई फोर है, ये जो वन है भैया यही डोमेन है एक्स की वैल्यू, और ये जो पाई बाई फोर आया यही रेंज है। ये रेंज जब तक इसके बीच में, डोमेन जब तक इसके बीच में रहे तभी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस इन्वर्टिबल होगा, अदरवाइज ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आर नॉट इन्वर्टिबल। जैसे कि जो लोग समझदार में पढ़ते हैं, देखो साइन 31/2 साइन इनवर्स 1/2 का मैंने बताया था 30 भी हो सकता है आंसर, 150 भी हो सकता था, 510 भी हो सकता था, डॉट डॉट बहुत सारे वैल्यूज जो है वो हो सकता था, और 390 भी हो सकता था, 390 भी हो सकता था, 510 भी हो सकता था, यही से चैप्टर स्टार्ट किया गया। बट इसका रेंज डिफाइंड है कि भैया तुमको आंसर पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 2 के बीच में ही देना है, बीच में ही देना है, बीच में ही देना है। तो इस रेंज के बीच में तुम 150 बोल नहीं सकते हो, 390 बोल नहीं सकते हो, 510 बोल नहीं सकते हो। तो इस रेंज के अंदर माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स या फिर साइन ऑफ द फंक्शन इज इनवर्टिबल। बेसिक कॉन्सेप्ट पिछले 15 मिनटों का यही है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आर नॉट इनवर्टिबल, बट अंडर अ सर्टेन डोमेन एंड रेंज ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आर इनवर्टिबल। टू स्टार्ट दिस चैप्टर व्हाट वी नीड टू डू इज टू मेक श्योर दैट वी रिमेंबर द डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, अदरवाइज दिस चैप्टर विल नॉट बी स्टार्टेड। अच्छा, कुछ लगातार होमवर्क असाइनमेंट दिया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, इतना सारा क्लास हुआ, कुछ बच्चों के तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। मेक श्योर कि जब भी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगा, जिन बच्चों का किसी भी तरह से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है उन लोगों को ट्यूशन में एडमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है। आप लोग जहां से भी ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं पढ़ लीजिएगा। जो बच्चे रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, व्यूज ले रहे हैं बट रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, जब कुछ दिन के अंदर ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएगा, जो बच्चे रिस्पॉन्स नहीं दे पाए उन लोगों को ट्यूशन में एडमिशन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये सब चैप्टर दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा। आपको भी मालूम है ये सब अगर दोबारा पढ़ाना पड़ जाए ऑफलाइन में तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ऑलरेडी सिलेबस पीछे है। जो बच्चे व्यूज वीडियोस देख रहे हैं और किसी भी तरह का रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, उनके गार्जियन किसी भी तरह का रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो जाने के बाद उन लोगों को ट्यूशन में एडमिशन नहीं मिलेगा। आप जहां का भी ऑनलाइन ऑफलाइन जो पढ़ना है स्क्रीनशॉट लेकर के वीडियो डाउनलोड करके पढ़ना पढ़ लेना, मेरे क्लास में एडमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी जो लोग पढ़ रहे हैं डोमेन और रेंज को पहले लिखो, पहले याद करो, उसके बाद इसको सिर्फ इंट्रोडक्शन के फॉर्म में आज इसका क्वेश्चन स्टार्ट करवाए जाएंगे। चलो भाई बच्चों, जैसे क्वेश्चन अब शुरू किया जाए, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ मतलब रेंज निकालना, रेंज निकालना, रेंज निकालना, रेंज निकालना, रेंज निकालना, रेंज निकालना। साइन इनवर्स 1/√2, 1/√2 तो मेरे को पता 45 डिग्री पर है, 45 डिग्री, या फिर इसको सीधा पाई बाई फोर पहले सोचेंगे और याद करेंगे कि इसका रेंज कितना है। तो इसका रेंज हम लोग ने याद किया है पाई बाई फोर जो है, हम लोगों को इसका रेंज क्या है, इसका रेंज था माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में आंसर आना चाहिए था, और मेरा आंसर है पाई बाई फोर मतलब 45 डिग्री, जो कि माइनस 90 से 90 डिग्री के बीच में है। तो ये जो आंसर है पाई बाई फोर, इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो सही हो जाएगा। उसी तरह से tan इनवर्स ऑफ रूट थ्री, मेरे से पूछ रहा है रूट थ्री, tan इनवर्स ऑफ रूट थ्री, tan इनवर्स ऑफ रूट थ्री, tan इनवर्स ऑफ रूट थ्री, रूट थ्री किसके वैल्यू पर आता भैया, तो 60 डिग्री पर आता, नहीं tan 60, तो ये पाई बाई सिक्स हो गया, tan 60 पाई बाई थ्री, tan 60, और ये तो आंसर हो गया। फिर याद करते इसका डोमेन रेंज क्या था, तो याद आया कि इसका डोमेन रेंज भी माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में था, तो ये तो बिलोंग कर रहा है उसके बीच में, इसके बीच में बिलोंग कर रहा है, तो ये आंसर जो है वो सही हो जाएगा। अब हम लोग इसका देखते हैं tan इनवर्स ऑफ माइनस वन का क्या हिसाब किताब है। tan इनवर्स ऑफ माइनस वन, tan इनवर्स ऑफ माइनस वन,
तो टैन की वैल्यू माइनस वन किस क्वाड्रेंट में आता था आप लोगों को याद होगा, एड शुगर टू कॉफी, एड शुगर टू कॉफी, तो एड में तो सब पॉजिटिव, शुगर में शुगर में शुगर में शुगर में शुगर में टैन का वैल्यू जो है वो निगेटिव आप लोग ला सकते थे, ठीक है, निगेटिव वैल्यू आप लोग ला सकते थे, बट प्रॉब्लम क्या है कि इसका जो रेंज है वो सेकंड क्वाड्रेंट में अलाउड नहीं है, टैन का रेंज अभी आप देखें पाई बाय टू से माइनस पाई बाय टू के बीच में, समझने का ट्राई करो बच्चों, नहीं तो दिक्कत होगा, ये साइड में अगर ऐसे लिखते हैं तो एक्चुअली में टैन ऑफ माइनस 45 इज माइनस टैन 45, इसका वैल्यू भी माइनस वन होगा, है ना, और अगर टैन 135 डिग्री लिखे हैं क्लास 11 के कॉन्सेप्ट से तो एड शुगर टू कॉफी के हिसाब से इसका वैल्यू भी माइनस वन हो गया, ठीक, समझ में आ रहा है, टैन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस टेन थीटा, 11 तो पढ़े थे, टैन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस टेन थीटा, तो टैन ऑफ माइनस 45 से भी आंसर आ सकता है, टैन ऑफ 135 से भी माइनस वन आ सकता है, बट इसका जो रेंज है वो माइनस 90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है, तो उस हिसाब से ये आंसर गलत हो गया, है ना, tan 135 बराबर माइनस वन सही है, यही इस चैप्टर का समरी है, tan ऑफ 135 डिग्री इज माइनस वन, दिस इज करेक्ट, बट tan इनवर्स ऑफ माइनस वन का आंसर ऑफ 135 डिग्री नहीं लिख सकते क्योंकि 135 डिग्री के रेंज से बाहर चला जा रहा है, ये जो आंसर आ रहा है माइनस 45 डिग्री, माइनस 45 डिग्री, माइनस पाई बाई फोर, ये जो इसका रेंज था माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू इसमें लाइक कर रहा है, तो उस हिसाब से सही हो जाएगा, यही इस चैप्टर का समरी है, टैन ऑफ 135 डिग्री भी माइनस वन है और टैन ऑफ माइनस 45 भी माइनस वन है, बट टैन इनवर्स ऑफ माइनस वन जब पूछा जाए तो आप इसका आंसर 135 डिग्री नहीं दे सकते, इसका आंसर माइनस 45 डिग्री ही होगा क्योंकि ये इसके रेंज से माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू इस रेंज पर ये नहीं लाइक कर रहा है, इस वजह से इसका आंसर 135 डिग्री नहीं होगा, इस वजह से इसका आंसर जो है वो माइनस पाई बाई फोर ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यही चीज सीखना है आप लोगों को किसी तरह से, ठीक है, उसी तरह से कॉस इनवर्स ऑफ माइनस वन बाई टू, इसको अगर हम लोग याद करें कॉस इनवर्स ऑफ माइनस वन बाई टू, एड शुगर टू कॉफी के हिसाब से एड शुगर टू कॉफी, तो माइनस वन बाई टू हम लोग दो तरफ से ला सकते हैं, दो तरफ से ला सकते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में cos 150 मतलब 120 डिग्री, cos 120 डिग्री माइनस 1 बाय 2 ये पढ़े थे हम लोग क्लास 11 में, है ना, cos 120 ऐड शुगर सेकंड क्वाड्रेंट ये नेगेटिव हो सकता है, ऐड शुगर 2 एक थर्ड क्वाड्रेंट में ये जो 240 डिग्री है इसका वैल्यू भी माइनस 1 बाय 2 होता है, सुन लो ये सब पढ़ना चाहिए अगर नहीं क्लियर है तो दिक्कत है आपको, cos 120 degree is also minus 1 by 2 at sugar second quadrant में, और third quadrant में cos 240 degree is also minus 1 by 2, तो cos inverse of minus 1 by 2 का वैल्यू 120 भी हो सकता है 240 भी हो सकता है, बट किसका जब रेंज हम लोग याद करेंगे, इसका जो रेंज जो है भैया ये 0 से 180 degree अभी आपको लिखवाएगा 0 से पाई ये उस पर नहीं बिलोंग कर रहा है, ये इस पर नहीं बिलोंग कर रहा है, बट ये जो 120 degree है ये बिलोंग कर जा रहा है 0 से 180 degree के बीच में, इस वजह से cos inverse of minus 1 by 2 का वैल्यू इस 120 डिग्री, और अगर रेडियन में अगर लिखें तो दिस इज 2 पाई बाय 3 रेडियन, 2 पाई बाय 3 रेडियन, ये इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर हो जाएगा, ये बिलोंग कर रहा है 0 से पाई के बीच में, यही कांसेप्ट है 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में ये बिलोंग कर जा रहा है, इस वजह से ये सही मान लिया जाएगा, ये क्लोज ब्रैकेट था 0 से 180 के बीच में ही इसका रेंज होना चाहिए, तो ये तो 240 डिग्री है, तो ये नहीं हुआ, 120 डिग्री हो गया, तो सिंपल सा हिसाब किताब है, cos 120 का वैल्यू भी माइनस 1 बाई 2 है, cos 240 का वैल्यू भी माइनस 1 बाई 2 है, बट आपसे cos इनवर्स ऑफ माइनस 1 बाई 2 पूछा जाए तो आंसर सिर्फ 120 डिग्री होगा, क्योंकि यही उस रेंज के बीच में है, यही पिछले 20 मिनट से हम लोग पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आर नॉट इनवर्टिबल, साइन 30 का तो 1 बाय 2 बट साइन इनवर्स 1 बाय 2 का केवल 30 डिग्री नहीं होगा, बट जैसे ही डोमेन और रेंज फिक्स करेंगे तो उसके बीच में जो आप आंसर बताएंगे वो एक मल्टीपल जरूर होगा, cos 120 का वैल्यू भी माइनस 1 बाय 2 और cos 240 का वैल्यू भी माइनस 1 बाय 2 है, बट आपसे cos इनवर्स ऑफ माइनस 1 बाय 2 पूछे तो आपका आंसर सिर्फ 120 डिग्री या फिर रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 2 पाई बाय 3 होगा, इस चीज का आप लोग जितना जल्दी हिसाब लगा पाएंगे आपको हमको फायदा होगा, अदरवाइज वी ऑल आर इन बिग प्रॉब्लम, अगर आपको स्कूल में कोई समझा दिया गया है कि आसान चैप्टर है तो यह बहुत बड़ी गलती कर जाएंगे, ये आसान चैप्टर कहीं से भी नहीं है, इट्स अ वेरी ट्रिकी चैप्टर।
ये क्वेश्चन को ऐसे समझने के लिए देखिए, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है 2012 बोर्ड का। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स 1/2 प्लस ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स 1/2, है ना। तो पहले कॉस इनवर्स ऑफ 1/2, ठीक है, ये हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं। अभी अभी एक्सप्लेन किया था, फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। कॉस 60 का वैल्यू भी एड शुगर टू कॉफी के हिसाब से 1/2 ही होता, एड शुगर टू कॉफी। और कॉस 300 डिग्री, इसकी वैल्यू भी 1/2 ही होती। और इतना लिखना नहीं है आपको समझाने के लिए, पड़ेगा कॉस 60 इज 1/2 एंड कॉस 300 डिग्री एड शुगर टू कॉफी इज ऑल्सो 1/2। बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस कॉस इनवर्स का जो रेंज है ये 0 से 180 डिग्री के बीच में होना चाहिए, जो कि ये नहीं हो रहा है, इस वजह से ये जो 60 डिग्री है, या फिर इसको हम लोग पाई बाई 3 लिखते हैं, ये हो सकता है। तो कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 जो है वो पाई बाई 3 होगा। कॉस इनवर्स 1/2 इस पाई बाई 3, उसी तरह से ये बस समझाने के लिए, इतना आपको जानना नहीं है। अभी साइन इनवर्स 1/2 पूछा गया है, तो ये साइन 30 का वैल्यू भी 1/2 होता है और साइन 150 डिग्री का वैल्यू भी 1/2 होता है। बट इसका रेंज आप देख रहे हैं, ये अभी आपको लिखवाएगा -90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए, जो कि ये 150 डिग्री नहीं है। इस वजह से इसका आंसर सिर्फ 30 डिग्री, मतलब सिर्फ पाई बाई 6 ही होता। साइन इनवर्स 1/2 सिर्फ पाई बाई 6 होता। यही डोमेन रेंज है आज के पूरे क्लास का, आपको सिर्फ डोमेन रेंज ही सीखना है। तो उस हिसाब से अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूछ रहा था कॉस इनवर्स 1/2, तो ये हो गया पाई बाई 3 प्लस 8 ट्वाइस, और फिर ये साइन इनवर्स 1/2 इज पाई बाई 6, ये तीन बार में कट गया। तो पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 इज 2π/3 इस क्वेश्चन का आंसर हो। इतना लिख करके नहीं दिखाना, अगर सीधा अगर आपको मालूम है कॉस इनवर्स 1/2 60 डिग्री है, साइन इनवर्स 1/2 30 डिग्री है, अगर आप क्लियर है तो एकदम डायरेक्ट ऐसे कर लेंगे। बट ऐसे अभी समझने के लिए आपको इस तरह से थोड़ा थोड़े करना पड़ेगा। किन्हीं महान अनुभव गधों ने आपको समझाया होगा कि ये जो चैप्टर है वो आसान है, इट्स नॉट एन इजी चैप्टर, और वाइस वर्सा। अगर आपको ये चैप्टर आसान लगता है तब आप मैथ्स के जीनियस स्टूडेंट हैं, तब आप सीधा आईटी का एग्जाम क्लियर कर जाएंगे अपियरिंग में ही। तब फिर आपको ऐसे यूट्यूब में भास्कर क्लासेज और अलतू फालतू टीचर्स का लेक्चर देखने का जरूरत नहीं है। जिन्होंने भी समझाया आईटीएफ इजी चैप्टर है, दिमाग से निकालिए, इट्स अ वेरी ट्रिकी चैप्टर, इसमें आपको मेहनत करना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन को देखो, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस इज कॉस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ -√3/2 प्लस पाई बाई 6। अब इसमें देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। कॉस इनवर्स ऑफ -√3/2, इतना सॉल्व करके जल्दी, अगर आपका क्लियर है तो इतना लिखना नहीं है, बट पहले ख्याल में समझाने के लिए एड शुगर टू कॉफी। कॉस के बारे में निगेटिव लाना है, ये तो कॉस 120 का वैल्यू भी हो सकता था सेकंड क्वाड्रेंट में, नहीं 120 नहीं 150, और 150 भी हो सकता था इसका वैल्यू, कॉस 180 माइनस 30 इज कॉस 30 इज हां। तो सेकंड क्वाड्रेंट में 150 डिग्री भी चल जाता, और अगर ध्यान से देखते हो तो इसकी वैल्यू एड शुगर टू थर्ड क्वाड्रेंट में भी कॉस का नेगेटिव आ सकता है। दिस इज कॉस इफ वी विल टेक 330 डिग्री, 330 डिग्री, इसका वैल्यू भी जो है वो -√3/2 ही होगा, एड शुगर टू कॉफी, है ना। ये आ रहा है समझ में, नहीं ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया है, थर्ड क्वाड्रेंट में होना चाहिए 210। कॉस 150, इसका वैल्यू भी -√3/2 ही होता है, और कॉस 210 थर्ड क्वाड्रेंट में, इसका वैल्यू भी 200, इसका वैल्यू भी -√3/2 होता। बट लेंगे कौन सा कॉस का रेंज, हम लोग क्या याद किए, कॉस का रेंज जो है वो 0 से π, मतलब 0 से 180 के बीच में होना चाहिए, जो कि ये नहीं है। बट ये जो है वो है 0 से 180 डिग्री के बीच में, वैसे ये आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। 150 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो दिस विल बी 5π/6, है ना, दिस इज 5π/6, दिस इज 5π/6, 5900, ठीक है। तो यही तब से 25 मिनट का लेक्चर यही है, कॉस 150 का वैल्यू भी -√3/2 है, कॉस 210 का वैल्यू भी -√3/2 है, बट आपसे जब पूछा जाए कि कॉस इनवर्स ऑफ -√3/2 कौन सा होगा, तो आंसर विल बी 150 होगा, ठीक है, दिस इज 5π/6। अब क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व कर दे, दिस इज कॉस, इस पूरे का वैल्यू निकला 5π/6,
और पाई बाय 6, दिस इज cos पाई, दिस इज cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री 11th क्लास में याद किए थे, cos 180 डिग्री इज -1, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया -1, सो नोट कर लो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो गया -1, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ही -1। पहला लेक्चर खत्म होने को है, नहीं समझ में आए तो फोन करना, और आ रहा है तो ये चैप्टर अब आगे बढ़ चला है। अब इस क्वेश्चन को देखो, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज साइन पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ, जैसे माइनस रूट 3 बाय 2। अब सोचते हैं कि साइन का रूट माइनस किस पे आ सकता है, तो इसको पहले सॉल्व, मैंने इसी को सॉल्व भी करना है क्लियर के हिसाब से, ये वैल्यू बनता है, ठीक है। तो ऐड शुगर टू कॉफी के हिसाब से, ऐड शुगर टू कॉफी के हिसाब से रूट 3 बाय 2, और क्लास 11th में जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे साइन ऑफ माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है, इसका यूज करना ही पड़ेगा, आइडिया है, इसको थोड़ा समझेंगे। तो साइन ऑफ माइनस 60 डिग्री, ठीक है, मतलब साइन इनवर्स ऑफ माइनस रूट 3 बाय 2, मतलब साइन ऑफ माइनस 60 का वैल्यू भी माइनस रूट 3 बाय 2 होता है। एड शुगर टू कॉफी, और अगर करेंगे तो साइन ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट में 2, मतलब साइन ऑफ 240 डिग्री, इसका वैल्यू भी यही होता है। एड शुगर टू कॉफी, साइन 300 डिग्री, इसका वैल्यू भी यही होता है ना, साइन ऑफ माइनस 60 का वैल्यू भी यही है, साइन ऑफ 240 का भी वैल्यू माइनस रूट 3 बाय 2 है, साइन ऑफ 300 का वैल्यू भी माइनस रूट 3 बाय 2 है। बट अगर डोमेन रेंज, रेंज अगर याद करें तो इसका जो रेंज है भैया वो माइनस 90 से 90 के बीच में है, यही तो याद करना है, ये इसको याद हो उसी का काम चलेगा। तो आंसर माइनस 90 से 90 के बीच में होना चाहिए था, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो केवल यही सही हो गया। तो साइन इनवर्स ऑफ माइनस रूट 3 इज माइनस 60 डिग्री, और यू कैन से इज माइनस पाई बाय 3 रेडियन, कॉन्सेप्ट वही है। साइन ऑफ माइनस 60 माइनस रूट 3 बाय 2 है, साइन ऑफ 240 डिग्री भी माइनस रूट 3 बाय 2 है, साइन ऑफ 300 डिग्री भी माइनस रूट 3 बाय 2 है। बट जैसे ही आपसे साइन ऑफ माइनस रूट 3 बाय 2 पूछा जाएगा तो आपका केवल एक ही आंसर होगा माइनस 60 डिग्री, क्योंकि यही इसके रेंज के बीच में है। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, दिस इज साइन पाई बाय 2 माइनस, और ये आया माइनस पाई बाय 3, सो दिस इज साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 3, सो दिस इज साइन ऑफ, मतलब ये ब्रैकेट अपने हिसाब से देख लो जो भी लगाना, ये ओपन क्लोज नहीं है, ये वैल्यू है, दिस इज एलसीएम साइन 5 पाई बाय 6, मतलब साइन 150 डिग्री, साइन 150 डिग्री हम लोग याद किए हैं, ऐड शुगर टू कॉफी सेकंड क्वाड्रेंट में, दिस इज प्लस 1 बाय 2, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, दिस इज प्लस 1 बाय 2, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। और ये आपका आईटीएफ का पहला लेक्चर खत्म हो गया, पहला लेक्चर बोलो या फिर मैं यहाँ भी बोल सकता हूँ, आपका पहला एक्सरसाइज ही खत्म हो गया। पहला एक्सरसाइज में आपको किसी भी तरह से पहले सारे इन्वर्टिबल फंक्शंस का डोमेन रेंज याद करना है, और फिर वैल्यूज क्लास 11th के मदद से, और अभी जो नोट्स कॉपी में लिखवा जा रहा है उसके मदद से रेडी कर लेना है। और फर्स्ट मंथ का फी जो है वो बहुत सारे बच्चों ने दे दिया है, जो लोग ऑफलाइन मीडियम में जुड़े भी हुए हैं, और बहुत सारे लोगों ने नहीं दिया है, तो अगर पॉसिबल हो सके तो जितना जल्दी हो सके बच्चों ऑनलाइन पेमेंट कर दें। पिछले लेक्चर्स में ऑनलाइन मीडियम फोन पे गूगल पे के साथ साथ अकाउंट नंबर वगैरह भी बताया गया है, जैसे भी कर सको कर दो, ठीक है, यहीं तक रहेगा, नेक्स्ट अगले लेक्चर में मिलेंगे, थैंक यू।